घटना हुई है और अमित शाह ने जो है मुख्यमंत्री से बात किया, क्या जानकारी आपके पास निकल करके आ रही है? मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है, वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। DRG के जवान रवाना किए गए थे, सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो ID ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है, कुल 11 लोगों की, शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं, लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नजर बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है, जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।